हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। एंड गाइस, लेट मी अनाउंस यू वंस मोर दैट फ्रॉम नाउ आवर सेशंस विल बी इन द प्रीमियर फॉर्म, बिकॉज देयर वर मेनी रिक्वेस्ट कि सर जो हमारे सेशंस है वो प्रीमियर फॉर्म में ही हो, बिकॉज लाइव सेशंस वर टू टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो देयर वर सम टेक्निकल ग्लिचेस। सो ऑन योर डिमांड वी आर बैक विद द प्रीमियर फॉर्म। ऑलराइट, so let's begin with the session with question number 1. So question number 1 says, to make the country atmanirbhar or self reliant in coal mining through structural reforms in the coal sector, the government of India will launch auction of coal mines for commercial mining. What is the theme of this auction? So basically jo commercial mining hai uske liye ek auction launch ki jayegi by the government of India. Humse pucha hai ki us auction ka theme kya hai. So let us discuss about this, guys. So the theme of this auction is Unleashing Coal, New Hopes for Atmanirbhar Bharat. Unleashing Coal, New Hopes for Atmanirbhar Bharat is the theme of the new launch that is for auction of coal mines for commercial mining. All right, and the aim of this launch is to make the country Atmanirbhar in coal mining through structural reforms in the coal sector. Koile ke sector mein structural reform karke jo coal mining hai usme desh ko self reliant banana, atmanirbhar banana hi is स्टेप का एम है। ऑलराइट, एंड इट इज अ फर्स्ट एवर कमर्शियल कोल ऑक्शंस इन द कंट्री, एंड द कमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शंस आर कंप्लीटली डिफरेंट नाउ फ्रॉम अर्लियर रेजिम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स यूज एंड प्राइस। इससे पहले का जो रेजिम था उसमें काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, उससे बिल्कुल अलग होगा अब ये वाला कमर्शियल कोल माइनिंग ऑप्शन। राइट, एंड द प्रपोज्ड ऑक्शंस विल हैव टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर वेरी लिबरल, which allow new companies to participate in the bidding process. नई companies को मौका मिलेगा bidding process में participate करने का. There will be reduced upfront amount, जो upfront amount है उसको कम किया जाएगा. Adjustment of upfront amount against royalty. Liberal efficiency parameters to encourage flexibility to operationalize the coal mines. जो efficiency parameters है उनको liberalize किया जाएगा ताकि जो coal mines है उनको operationalize करने में flexibility provide की जाए, उनको flexibility encourage की जाए. There will be a transparent bidding process and 100% FDI, we all know, is allowed through automatic route. All right, and there will be reasonable financial terms and revenue sharing model based on National Coal Index. National Coal Index pe based reasonable financial terms and revenue sharing model hoga. And the successful bidders will also have flexibility in coal production unlike past and have provisions for incentive for early production and coal gasification. Agar koi successful bidder अर्ली प्रोडक्शन करता है या कोल गैसिफिकेशन करता है तो उसके लिए इंसेंटिव्स का प्रोविजन है, और पहले की तरह ना होते हुए कोल प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑलराइट, एंड नाउ व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्चिंग दिस ऑक्शन प्रोग्राम। सो द कोल माइंस ऑक्शन प्रोसेस विल ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन द कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग एडिशनल कोल, बिकॉज हमारे देश में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी थर्मल पावर प्लांट से बन रही है, तो थर्मल पावर प्लांट भी ऑन लोगे किससे चलता है, कोल से चलता है। राइट, सो ये जो कोल माइन ऑक्शन प्रोसेस है ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन करेगा फॉर दैट सिक्योरिटी, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन आर कंट्री। इट विल प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कोल सेक्टर। ऑफकोर्स अगर कोल माइन का ऑप्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। एंड दीज एफर्ट्स विल ऑल्सो सप्लीमेंट द 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन फ्रॉम कोल इंडिया टिल फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड मीट फुल रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक थर्मल कोल। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक उनको हमको 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन करना है, ये उसमें भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट द ऑक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वॉज वट इज द थीम ऑफ दिस ऑक्शन। नाउ यू गाइज कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन। So the correct answer to this question is what? Option C, Unleashing Coal, New Hopes for Atmanirbhar Bharat. Unleashing Coal, New Hopes for Atmanirbhar Bharat is the correct answer. Now let's move on to question number 2. So the question number 2 is, what is iFlows Mumbai that was launched on 12th June 2020? Haal hi mein 12 June 2020 ko launch kiya gaya iFlows Mumbai, ye kya hai? So guys, this is basically a flood warning system for Mumbai, or we can say iFlows Mumbai, that was launched on June 12, 2020, and it was launched to tackle the extreme rising precipitation events driven by warming temperatures and changes in the monsoon due to climate change. जो हमारा मॉनसून है मुंबई में
वो आने वाला है, और क्योंकि जो बारिश है वो बहुत ज्यादा आती है मुंबई में, तो उसी चीज को टैकल करने के लिए इस आई फ्लोज मुंबई को लॉन्च किया गया है, जो कि एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है. ओके, एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन कोऑर्डिनेशन विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई. एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड इसको किस तरीके से यूज कर पाएंगे. सो द सिस्टम हैज प्रोविजंस टू कैप्चर द अर्बन ड्रेनेज विद इन द सिटी एंड प्रेडिक्ट द एरियाज ऑफ फ्लडिंग. जो सिस्टम है उसमें अर्बन ड्रेनेज को कैप्चर करने के प्रोविजंस है विद इन द सिटी, एंड इट कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द एरियाज ऑफ फ्लडिंग, एंड इट इज बिल्ट ऑन अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर. और इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स है, 7, एंड दीज मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म रेनफॉल इनटू रन ऑफ एंड प्रोवाइड्स इनफ्लो इनपुट्स इनटू द रिवर सिस्टम्स, सॉल्व इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड मोशन टू रेप्लिकेट द मूवमेंट ऑफ वाटर टू असेस फ्लडिंग इन द स्टडी एरिया, कैलकुलेट द टाइड एंड स्टॉर्म सर्ज इंपैक्ट्स ऑन द सिटी, and also to calculate the vulnerability and risk of elements exposed to the flood. So basically ये हर dimension में जो मदद करेगा ताकि जो मुंबई है वो इस flood की problem को tackle कर सके. And what is the need of this system? इसकी system की need क्या है? Need guys ये है कि जो मुंबई है उसमें काफी समय से flood आता रहा है. Like flood in 29 August 2017 brought the city to a standstill. 26 जुलाई 2005 को भी आया था 100 साल हाई का एक फ्लड इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स, पैरालाइजिंग दैट पैरालाइज्ड द सिटी कंप्लीटली व्हेन द सिटी रिसीव्ड अ रेनफॉल ऑफ 94 सेंटीमीटर. राइट, सो क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा फ्लड आता रहा है तो उस फ्लड को टैकल करने के लिए इस सिस्टम की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी. सो एज अ प्रिपेयरनेस फॉर फ्लड्स बिफोर दे अकर, पीपल टू बी वॉर्न्ड सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर फ्लडिंग कंडीशन. फ्लडिंग कंडीशन से पहले ही तैयार रखने के लिए लोगों को इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाट इज आई फ्लोज मुंबई? सो आई फ्लोज मुंबई, इट इज वेरी क्लियर नाउ, इट इज अ फ्लड वार्निंग सिस्टम. ऑप्शन ए, फ्लड वार्निंग सिस्टम, इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सो देयर इज सम इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस फर्स्ट रीड आउट दैट इंफॉर्मेशन. सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशंस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, बीइंग द बर्थ place of four major world religions, that is Jainism, Hinduism, Buddhism and Sikhism. Even though Hindus form close to 80% of the population, India also has region-specific religious practices. Freedom of religion in India, it is a fundamental right guaranteed by Article 25 to 28 in the Constitution of India. Despite all of these, India is advised by the US State Department's annual International Religious Freedom Report 2019 to emphasize the need to ensure full protection to minorities in the country as guaranteed under the constitution. Recently, एक report आई है by the US State Department जिसका नाम है Annual International Religious Freedom Report. इसने ये कहा है हमारे देश से, इंडिया से ये कहा है that there is a need to ensure full protection to minorities. जो हमारे देश में minorities है उनको protect करने की need है हमारे देश में as guaranteed by the constitution. Alright. So now let us first discuss about this report. And the question number 3 is, which is not one of the issues that have been taken in the notes constituting this report. So now let us first discuss about this report. So the name of the report is Annual International Religious Freedom Report of 2019, which is a survey of the state of religious freedom across the world. Puri duniya mein religious freedom ko religious freedom ka survey kiya jata hai in this report. And this report describes the status of religious freedom, government policies violating religious belief and practices of groups, religious denomination and individuals, and US policies promoting religious freedom. All right, and this report is a survey of the state of religious freedom across the world, and this report has listed countries for positive developments in religious freedom and negative example. So is report mein positive developments ko bhi cite kiya jata hai, sath hi sath negative examples ko bhi cite kiya jata hai. Nicaragua, Nigeria and China were cited as negative example, और India दोनों में से किसी list में नहीं था, ना तो India में कोई positive developments है और ना ही India को negative example में रखा गया है. India को एक neutral status दिया गया है in this report, but India को इस report में ये कहा गया है that there is a need to ensure full protection to minorities in the country as guaranteed under the constitution. और ऐसा कहते हुए इस report ने highlight किया है the developments that took place in 2019. That is the status of Jammu and Kashmir. हम सबको पता है Article 370 को remove किया गया था by the government of India. The Citizenship Amendment Act, जिसकी वजह से काफी ज़्यादा protest and all हुए थे हमारे देश में, and the National Register of Citizens, right? And it also discussed in detail about the mob lynchings, anti-conversion laws, cow vigilantism, and
रिलेटेड इशू, इन सारे रिलेटेड इशूज के बारे में डिस्कस किया गया है इस रिपोर्ट में इन डिटेल, एंड इट ऑल्सो took note of the alleged attacks and discrimination against religious and ethnic minorities in India. जो भी alleged attacks या फिर discrimination हुआ है against the religious and ethnic minorities in India, उस सब का note किया गया है इस report में. And it also takes note of the Babri Masjid decision by the Supreme Court and the challenges to the 2018 reversal of a ban on some women entering the Sabarimala temple. ओके, जो शबरीमाला टेम्पल में विमेन का जो बैन है और जो सबरी बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया रिसेंटली, उन सभी चीजों की चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में. सो इंडिया को ना तो पॉजिटिव डेवलपमेंट में रखा है और ना ही नेगेटिव एग्जांपल की तरह साइट किया है. इंडिया को कुछ सजेशन दी गई है इन दिस रिपोर्ट, राइट? बट वॉट इज द इंडिया स्टैंड? सो रिसेंटली आप सबने पढ़ा होगा एक USCIRF रिपोर्ट आई थी जो कि US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसने इंडिया की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको डाउनग्रेड कर दिया था टू द लोएस्ट ग्रेड और इंडिया को रखा था इन द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी. सो रिसेंटली द US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम डाउनग्रेडेड इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम टू द लोएस्ट ग्रेड इन द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी, बट द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट बाय असर्टिंग that there is no locus standi for a foreign government to comment on the state of its citizens constitutionally protected rights. जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता, फॉरेन गवर्नमेंट का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है कि वो किसी दूसरे देश के नागरिक के अधिकारों पे कमेंट करे और वो भी वो अधिकार जो कि संविधान द्वारा दिए गए हैं, राइट? एंड इज also emphasized that the report did not talk about the religious freedom given to various communities in India. और हमारी सरकार का ये कहना है कि इस रिपोर्ट में बिल्कुल भी उस चीज की बात नहीं की गई कि जो हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं जिनको रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में कोई बात नहीं कही. सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है ये कहते हुए कि जो फॉरेन की गवर्नमेंट है उसका कोई हक नहीं बनता किसी देश के सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स पे कमेंट करने का. और दूसरी बात यह कि इंडिया ने यह बोला कि दैट रिपोर्ट डिड नॉट टॉक अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम गिवन टू वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हिच इज नॉट वन ऑफ द इश्यूज दैट हैव बीन टेकन इन द नोट्स कंस्टिट्यूटिंग दिस रिपोर्ट. सो ऑप्शन ए इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यस इट वॉज देयर. एनआरसी वॉज देयर. स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज देयर. बाबरी मस्जिद डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट वॉज देयर. खालिस्तान इशू वॉज नॉट देयर. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर गाइज विल बी वॉट? ऑप्शन ई, खालिस्तान इशू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देयर आर सम इंफॉर्मेशन. सो लेट अस फर्स्ट रीड आउट दिस. इंडिया रैंकिंग्स फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हेल्प यूनिवर्सिटीज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस रैंकिंग पैरामीटर्स एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन रिसर्च एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. दिस रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एट नेशनल लेवल इंस्टॉल अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग इंस्टीट्यूशंस टू परफॉर्म बेटर एंड सिक्योर higher rank in the international ranking. So this is a passage given about India rankings for higher educational institutions. Now what is the question number 4? The ranking framework evaluates institutions on 5 broad generic groups of parameters. Which one is not among them? Inme se kya wo parameter nahi hai jiske aadhar pe is ranking framework mein evaluation ki gayi hai. All right, so now let us first discuss about this. So recently, India Rankings 2020 for Higher Educational Institutions was launched by HRD Minister Shri Ramesh Pokhariyal Nishank, and we all know he is Mr. Ramesh Pokhariyal Nishank. His Lok Sabha constituency is Haridwar. Haridwar is in Uttarakhand, all right? And the aim of this ranking is that it will act as a guide to students for selection of universities based on a set of criteria, and it will also help universities to improve their performance on various ranking parameters. And it will identify gaps in research and area of improvement. So basically, ये student और universities दोनों को ही मदद पहुंचाएगा. Students को ये guide करेगा for selection of universities based on a set of criteria. और ये universities को help करेगा ताकि वो अपने performance को improve कर सके on various ranking parameters. Okay, and what are the key highlights? So this is the 5th consecutive edition of the India rankings of the institutions, and this year. There is an addition to 9 rankings, that is one domain. Dental has been introduced for the first time. Dental colleges ki bhi ranking ki gayi hai is saal, aur is saal pehli baar dental colleges ki rankings ki gayi hai. And what are the parameters? So these are some parameters like teaching, learning and resources, research and professional practice, graduation outcomes,
आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन. सो दीज आर द फाइव पैरामीटर्स जिसके आधार पे इस रैंकिंग को लाया गया है. राइट, एंड ऑल पैरामीटर्स एंड सब पैरामीटर्स आर ड्यूली नॉर्मलाइज्ड सो टू कीप देम साइज इंडिपेंडेंट एंड एज इंडिपेंडेंट सो दैट लार्ज एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशंस डू नॉट गेट अनड्यू एडवांटेजेस. जितने भी पैरामीटर्स और सब पैरामीटर्स हैं उनको नॉर्मलाइज किया गया ताकि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अनड्यू एडवांटेज ना मिले. एंड इट इज बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. इट इज बेस्ड ऑन NIRF. And the total number of applications for ranking in various categories have increased from 4873 in 2019 to 5805 in 2020. इसका मतलब ये है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इस रैंकिंग में आना चाहती हैं, उस रैंकिंग का हिस्सा होना चाहती हैं. एंड दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट. इसमें सारे कैटेगरीज के रैंक वन होल्डर्स हैं. तो ओवरऑल रैंक वन इट इज IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी इट इज ISC बेंगलुर, इंजीनियरिंग इट इज IIT मद्रास अगेन, मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, नंबर वन कॉलेज इज मिरांडा हाउस इन दिल्ली, फार्मेसी में जामिया हमदर्द विच इज इन न्यू दिल्ली, मेडिकल में ऑफकोर्स एम्स न्यू दिल्ली, आर्किटेक्चर इट इज IIT खड़गपुर, इन लॉ इट इज NLU बेंगलुरु, एंड इन डेंटल इट इज मोनाला आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज इन न्यू दिल्ली. सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रैंक वन होल्डर्स इन एवरी कैटेगरी. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सारी रैंकिंग्स क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन वॉज The ranking framework evaluates institutions on five broad generic groups of parameters. Which one is not among them? So option A, teaching is there, learning and resources is there, research and professional practice is there. Guys, teacher-student ratio is not there. Alright, so therefore the correct answer will be what? Option D, teacher-student ratio. And graduation outcomes was also there. So teacher-student ratio is ka sahi jawab hai. Now let's move on to question number 5, which is also based on these rankings. So we have to match the following table with the category and the institutes or college securing first rank. And ये जो थोड़ा table है थोड़ा different type का है, तो थोड़ा ध्यान से देखना. First overall में आपके पास दो options है, A और B. Okay, तो first overall में A है या B है? It is A, IIT Madras. तो first का answer है हमारा A. Okay. Second management में IIM Calcutta, IIM Ahmedabad. So second में it is IIM Ahmedabad. So it is B. थर्ड मेडिकल एम्स न्यू दिल्ली, सो थर्ड के लिए आंसर है हमारा ए. ऑलराइट, एंड फोर्थ डेंटल इट इज मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, विच मींस फोर का आंसर है हमारा बी. सो ए बी शुड बी द करेक्ट आंसर. ए बी यस. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर है एंड आपको ये रैंकिंग्स भी क्लियर है. सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट, एंड फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and as always, God bless.